और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट किए चलते हैं। खंडवा से बड़ी खबर है, एटीएस टीम इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी का मामला फैजान को लेकर खंडवा उसके घर पहुंची टीम। उसके बाद खंडवा जिला कोर्ट में उसे किया गया पेश। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, एटीएस टीम इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी का मामला टीम फैजान को लेकर उसके घर पहुंची और इसके बाद उसे खंडवा जिला कोर्ट में पेश किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, एटीएस की टीम ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को फैजान को लेकर खंडवा उसके घर पहुंची, उसके बाद खंडवा जिला कोर्ट में पेश किया गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं खंडवा से, जहां पर एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली थी फैजान को लेकर। अब उसके घर पहुंची, कई मामलों में पूछताछ की गई और उसके बाद से फैजान को जिला कोर्ट में पेश किया गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं टीम उसे लेकर के उसके घर पहुंची थी खंडवा में। एटीएस की टीम लगातार सुरक्षा को लेकर के बेहद चिंतित थी और पूरी सुरक्षा के साथ लाव लश्कर के साथ उसे लेकर के उसके घर पहुंची और वहां पर टीम ने पूछताछ की और जिसके बाद खंडवा जिला कोर्ट में पेश किया गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक खंडवा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर फैजान को जिला कोर्ट में पेश किया गया। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी का यह पूरा मामला है। टीम फैजान को लेकर उसके घर पहुंची थी और उसके बाद से वहां पर पूछताछ करने के बाद, तमाम चीजें देख लेने के बाद टीम फैजान को लेकर उसके घर पहुंची थी और तमाम चीजों को जांच पड़ताल करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं खंडवा से, एटीएस टीम इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं एटीएस टीम इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी का यह पूरा मामला है। टीम फैजान को लेकर उसके घर पहुंची है और फैजान को उसके बाद जिला कोर्ट में पेश किया गया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, क्या है ये पूरा मामला और फैजान को एटीएस उसके घर लेकर पहुंची तो एटीएस के माइंडसेट में क्या था, क्या कुछ पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले में, विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी पहुंचाइए। जी, आतंकी फैजान को आज सुबह एटीएस यहां खंडवा लेकर पहुंची थी, यहां से वो सीधे आते ही उसके घर लेके गई, जहां पर उसने दस्तावेजों की और भी छानबीन की। तो एटीएस को कहीं ना कहीं ऐसी संभावना थी कि और भी कुछ ऐसे कुछ जानकारी वहां से उसके घर से हासिल हो सकती है जो उनकी जांच में सहयोगी साबित हो सकती है। उसके दौरान वहां से निकलने के बाद एटीएस उसे जिला हॉस्पिटल लेके, जहां उसका परीक्षण हुआ, उसके बाद उसे यहाँ जिला न्यायालय में आज पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।